हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। और आज हम एक बहुत ही रिसेंट और करंट टॉपिक के साथ यहाँ पर आए हैं। ठीक है, हाल ही में आपने पेपर न्यूज पे पढ़ा होगा कि एजीआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा बयान आया है। और क्या बयान है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बहुत ही नाराजगी व्यक्त कर दी है, बहुत नाराज हुआ है सरकार के ऊपर और बहुत ही डांट लगाई है। यहाँ तक कि कह दिया है कि अगर आप स्वयं अपने फैसले लेना चाहते हैं तो कोर्ट क्यों, क्या कोर्ट को बंद कर दिया जाए, हम लोगों की आवश्यकता नहीं है क्या, क्या हम देश छोड़कर चले जाएं, यहां तक कह दिया है। आखिर क्यों, इस मुद्दा क्यों गरमाया है सरकार, कोर्ट इस तरह से नाराज क्यों हुआ है, उन्होंने इस समय वैसा बयान क्यों दिया है, देखते हैं, नजर डालते हैं कि आखिर ये एजीआर है क्या और मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्यों नाराज है, ये टेलीकॉम कंपनियों का क्या चक्कर है, क्यों इस तरह से ये सब हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि आखिर ये एजीआर है क्या। ठीक है, मामले पर बाद में आएंगे, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये एजीआर क्या है। ठीक है, इसका पूरा नाम है समायोजित सकल राजस्व, यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, ठीक है, उनको जो सरकार स्पेक्ट्रम देती है, ठीक है, तो उस पर तो वो टैक्स लेती ही लेती। ठीक है, इसके अलावा भी क्या होता है, यानी कि और भी वो कुछ चार्ज लेती है, यानी जितने का उन्होंने स्पेक्ट्रम बेचा है, लाइसेंस बेचा कंपनियों को, वो तो उन्होंने पैसा लिया ही, यानी टैक्स के रूप में वहां तो वो पैसा ले ही रही हैं। साथ ही क्या करते हैं कि टैक्स के अलावा सरकार को टेलीकॉम सेक्टर से दो प्रकार से पैसे और मिलते हैं, कैसे, एक तो लाइसेंस फीस। ठीक है, यानी जो टैक्स ले रही वो तो ले ही रही है, उसी वो लाइसेंस फीस लेती है, यानी कि जो उनको लाइसेंस दिया गया है एक साल के लिए, छह महीने के लिए, 2G का, 3G का, 4G का, जो भी लाइसेंस दिया गया है उसकी फीस लेती हैं, साथ में जो स्पेक्ट्रम यूज किया जा रहा है उसका यूजेज चार्ज भी लेती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सरकार टैक्स के अलावा इन दो चीजों को और भी लेती है। ठीक है, और ये दोनों कंपनी की कुल आय का एक हिस्सा होता है, यानी कि ये निर्धारित नहीं किया गया है कि वो कितना परसेंट लेंगे या कितना शेयर होगा, ये नहीं है, ये कंपनी जितनी कंपनी की कुल आय होगी उसका, उसमें से एक हिस्सा वो सरकार फिक्स करेगी कि एक हिस्सा वो कंपनी को सरकार को देना होगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर कंपनियां क्या करती हैं, थोड़ी चालाकी दिखाती हैं, कैसे, मान लो कंपनी को अगर अधिक फायदा हुआ तो सरकार को भी ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि निर्धारित नहीं है, जितना कंपनी को ज्यादा फायदा होगा उतना ही एजीआर कंपनी को सरकार को देना होगा। तो कंपनियों ने चालाकी क्या दिखाई, कंपनियों ने जो है अपना एजीआर कम दिखाना शुरू कर दिया, और उन्होंने क्या किया, बताया कि जो वॉइस कॉलिंग हो रही है और जो डेटा सर्विस दी जा रही है इसके माध्यम से जो भी रेवेन्यू आ रहा है हम उसी का एक हिस्सा सरकार को देंगे। ठीक है, लेकिन सरकार ने क्या किया कि सरकार भी कम नहीं है, उसने इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य चार्जों को इसके साथ जोड़ दिया, किसके साथ, ये इन दोनों के साथ। ठीक है, इन दोनों के साथ और भी कई सारी चीजों को उन्होंने जोड़ दिया है ताकि सरकार जो कंपनियां चालाकी दिखा रही हैं, अपना रेवेन्यू कम दिखा रही हैं, एजीआर कम दिखा रही हैं कि सरकार को कम पैसा देना पड़े, तो इसलिए सरकार ने बहुत सारी चीजों को जोड़ करके और अपना रेवेन्यू बढ़ाने का प्रयास किया है, इसलिए ये कंपनियां परेशान हैं। ठीक है, और सरकार का लगभग 1.47 करोड़ रुपया कंपनियों पर बकाया है, किस रूप में, एजीआर के रूप में, यानी कि जो भी हमारी टेलीकॉम सेक्टर कंपनियां हैं, जो भी वोडाफोन आइडिया है या एयरटेल है, एमटीएनएल, मतलब जितनी भी कंपनियां हैं सब कंपनियों को मिला करके कुल 1.47 करोड़ रुपया टेलीकॉम कंपनियों को किसको देना है, सरकार को देना है, इतना सरकार का पैसा कंपनियों पर बकाया है, किस रूप में बकाया है, एजीआर के रूप में बकाया है। ठीक है, इतना पैसा देना है, तो समस्या कहां पर आ गई, इसके लिए कंपनियां कोर्ट गई, सरकार भी कोर्ट गई, बहुत सारे मामले हुए, ठीक, बहुत सारा विवाद हुआ, अंत में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये दिया कि 23 जनवरी 2020 तक सभी कंपनियों को सरकार को 1.47 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया दे देना है, लास्ट डेट दी 23 जनवरी 2020, लेकिन ये डेट भी बीत गई है, कंपनियों पर कोई असर नहीं पड़ा और सरकार को पैसा बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट नाराज क्यों हुआ, ठीक है, पैसा नहीं मिला कोई बात नहीं, नाराज क्यों हुआ, सुप्रीम कोर्ट नाराज इसलिए हुआ क्योंकि दूर संचार विभाग का एक अधिकारी इसी बीच आया, एक डेस्क अधिकारी आया
और उसने इस डीट बीत जाने के बाद भी जब सरकार नाराज हुआ पैसा क्यों नहीं रहे हैं, तो इस अधिकारी ने ये कहा, जो दूरसंचार विभाग का एक डेस्क अधिकारी था, उसने ये कहा कि चलो हम अपनी तरफ से आपको और मोहलत देते हैं, आप हमको पैसा कुछ दिनों बाद दे देना, यानी कंपनी को मोहलत देने का प्रस्ताव रखा। तो इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप अगर मोहलत दे रहे हो, यानी कि सरकार का आदमी, यानी दूरसंचार विभाग का अगर आदमी मोहलत दे रहा है, और मेरे आदेश के बावजूद, यानी कि हम आदेश दे चुके हैं कि 23 जनवरी के तक पैसा मिल जाना चाहिए, ये अंतिम डेट है, तो फिर आप मोहलत देने वाले कौन होते हो? इस चीज को लेकर कोर्ट बहुत नाराज हुआ और कहा कि ये तो हमारे आदेश की अवमानना है, हमारे जो आदेश हमने दिया है उसका कोई पालन ही नहीं हो रहा है, इस देश में कोई कानून ही नहीं है, क्या कोर्ट को बंद कर दिया जाए, हम लोग देश छोड़ करके चला जाए? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बयान दिया है, किसके खिलाफ? सरकार के खिलाफ, सरकार के उस अधिकारी के खिलाफ जो दूरसंचार विभाग का अधिकारी है, जिसने कंपनियों को और मोहलत दी है कि पैसा बाद में दे दिया जाए। ठीक है, तो इसीलिए कोर्ट ने इस तरह का आदेश दिया है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे आदेश कोई पालन नहीं, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, क्या उसके आदेश की अवमानना होगी, उसके आदेश का पालन नहीं किया जाएगा? तो इसीलिए ये जो एजीआर का पैसा है, ये जो सरकार को देना चाहिए, इस बात को लेकर के विवाद है कि आखिर ये क्यों नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो अभी हालांकि अभी 17 मार्च की डेट लगाई है, 17 मार्च 2020 को, यानी कि अब जितनी भी कंपनियां हैं तो उस दिन सुनवाई होगी और सारे कंपनियों के MD को वहां पर उपस्थित रहना होगा कि अगर कुछ जवाब सवाल किया जाए तो वो मतलब बता सके और कह सके। ठीक है, और समस्या इस बात की है कि जो भी जितनी भी कंपनियां हैं उसमें से क्या है, जो वोडाफोन है, ठीक है, वोडाफोन आइडिया जो दोनों मर्ज होके चल रही है, उन पर सबसे ज्यादा ऋण है, सर्वाधिक ऋण कितना है, 55,000 करोड़ रुपया। और इसके जो प्रमुख हैं कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर सरकार ने मुझे मोहलत नहीं दी तो हम अब इंडिया में और ज्यादा कारोबार नहीं फैला पाएंगे, ना ही कुछ कर पाएंगे, बल्कि हमें अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा, क्योंकि हम इतने कर्ज देने की स्थिति में है ही नहीं, हम कहां से देंगे, हम वैसे ही कंगाल हुए बैठे, हमारी कंपनी वैसे नहीं चल रही है, हम कंगाल, हमारे पास देने को पैसा ही नहीं है। ठीक है, साथ ही जो दूरसंचार विभाग का अधिकारी था उसने क्या किया है, अपने आदेश को वापस ले लिया। जब कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी दी है कि क्या मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कोर्ट बंद करना पड़ेगा, तब जाकर के दूरसंचार विभाग के उस अधिकारी ने अपनी टिप्पणी वापस ली है। और इन चीजों का और मकसद क्या होगा, यानी जो 5G सेवा हम लॉन्च करने का प्रयास कर रहे हैं उन पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि जब आगे चीजें हो ही नहीं पाएंगी, लाइसेंस फीस नहीं मिलेगी, स्पेक्ट्रम चार्जेस नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो सरकार नाराज होगी, सरकार उनको लाइसेंस देना नहीं चाहेगी, स्पेक्ट्रम देना नहीं चाहेगी, तो जो अगली सेवा लॉन्च होने वाली 5G सेवा, तो उस पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। तो यही पूरा मामला था कि सुप्रीम कोर्ट नाराज क्यों हुआ है, एजीआर के पैसे को लेकर के नाराजगी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है, अवमानना हुई है, दूरसंचार विभाग का अधिकारी बीच में आके एक बयान देके चला जाता है और उनको कंपनियों को मोहलत देने की बात करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब कुछ नहीं, मेरे आदेश का पालन हो और इस पर 17 मार्च को अगली सुनवाई होगी, जहां पर सभी कंपनियों के MDO को उपस्थित रहना होगा। देखते हैं कि अगली सुनवाई होती है क्या होता है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण था, मैंने सोचा क्यों ना उस पर एक वीडियो बना दिया जाए, लोगों को जानकारी हो जाए। ठीक है, आपने पेपर पढ़ा होगा, हो सकता है आपके समझ में आया हो, तो मैंने सोचा कि इस पर पूरी एक डिटेल जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। धन्यवाद।